दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया, डिलीट हो गया, लेकिन जब आप उसके रिक्वेस्ट के लिए अपील कर रहे हो, रिव्यू के लिए अपील कर रहे हो, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि एक एरर देखने को मिल रहा है, जब ऊपर में लिखा है माई पर्सनल अकाउंट वॉज डीएक्टिवेटेड डिसेबल्ड, और नीचे जब हम अप्लाई कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो लिखा है वी कांट रिव्यू द डिसीजन टू डिसेबल्ड योर इंस्टाग्राम अकाउंट, वी कांट रिव्यू दिस डिसीजन बिकॉज टू मच टाइम हैज बीन पास्ड। ठीक है, कुछ ऐसा आपको एरर देखने को मिल सकता है अगर आप भी अपील नहीं कर पा रहे हो रिव्यू के लिए कि आपका जो फेसबुक अकाउंट डिसेबल हुआ है वो गलत वजह से डिसेबल नहीं हुआ है, आपने कोई ऐसा गलती नहीं किया था, वॉलेशन नहीं किया था जिसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाए, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी टाइम गुजर चुका है, साल भर हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए, डोंट वरी, कोई भी इशू नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आप बेहद आसानी से ना केवल अपने अकाउंट के लिए रिव्यू कर लिए अपील कर सकते हो, बल्कि आप अपने अकाउंट को रिकवर भी कर पाओगे, बेहद आसानी से रिकवर कर पाओगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना भाई, वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहो, स्टेप्स बिल्कुल भी मिस मत करना। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू बात कर सकते हो, और यहाँ पर आप मेरी कॉल मी फॉर ऐप की आईडी देख सकते हो, ट्रिक अजीम है, इस पर आप क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ पर देखो, इस फॉर्म को आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर देखो जो फॉर्म आपने सबमिट कर रहे थे वो आपसे सबमिट नहीं हो रहा है, तो अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर देखो, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है भाई लॉगिन, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हो, फुल नेम देना, और उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ में आपको देना पड़ेगा भाई, गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज इस फॉर्म को फिलअप आप नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ में क्या आता है, गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ में आता है भाई आधार कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है, वोटर कार्ड आता है, आपका पासपोर्ट आता है, नेशनल कार्ड आता है, इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंटल आईडी प्रूफ कहलाती है, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है, लेकिन आपकी जो आईडी प्रूफ होगी ना वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने पीडीएफ में और पीएनजी में अपलोड कर दिया, वैसा नहीं, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी आप इसे अपलोड करना और तभी ये अपलोड होएगा। लेकिन मान लेते हैं कि 4-6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गए हैं, उसके बाद आप इस फॉर्म को भी फिलअप नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का इशू आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि फर्स्ट में देखने को मिला, तो आपको क्या करना है भाई, तब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तब उस केस में आपको क्या करना है भाई, आपको अपना ईमेल का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो अपना जीमेल या फिर गूगल का इस्तेमाल करना, और यहाँ पर आपको एक कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, कंपोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और ऊपर में आपको वो ईमेल एड्रेस रखना है जिससे कि आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया था, या फिर फेसबुक अकाउंट में जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड था वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना, वो ईमेल एड्रेस से ही आपको मेल भेजना है। उसके बाद यहाँ पे 2 में आपको फेसबुक का ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर देख लो disabled@facebook.com सपोर्ट ऐसे कुछ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फेसबुक के टीम का भी मेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, disabled@support.facebook.com, ये है ईमेल एड्रेस फेसबुक की टीम का। साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ तरीके से लिखना है, और यहाँ पे चैट जो बॉक्स में है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और आपको अपना रजिस्टर ईमेल एड्रेस या फिर लॉगिन मोबाइल नंबर वो आपको जरूर से सब्जेक्ट में देना है। उसके बाद नीचे जो होगा यूजर नेम, फुल नेम, रजिस्टर ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ में आपको आईडी प्रूफ भी यहाँ पर देनी पड़ेगी, सेम आईडी प्रूफ यहाँ भी देनी है, ठीक है। अगर वो फॉर्म सबमिट नहीं भी हुआ तब आपको ईमेल एड्रेस में वो आपको यहाँ पर भी आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, वही सारी चीज़ें यहाँ भी देनी है जो वहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है। अटैचमेंट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो भी आपकी आईडी प्रूफ होगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आपको आधार देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, पासपोर्ट देना है, जो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना है वो यहाँ पर दे देना, और देने के बाद आपको इसे सेंड कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, इन दो स्टेप्स की मदद से ही आपका अकाउंट रिकवर हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रिकवर हो जाएगा, बट आपकी अपील तो सबमिट हो जाएगी, और आपके रिकवरी के चांसेस तभी होंगे जब आपका अपील सबमिट होगा, जब आपका अपील को रिव्यू किया जाएगा तभी आपका डिसेबल्ड अकाउंट रिकवर हो सकता है, अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं जिससे की मदद से आप अपने डिसेबल्ड या फिर डिलीटेड इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट को आप रिकवर कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू मुझसे बात भी कर सकते हो।